అయోధ్య రాములూరి గుడిలో ప్రధాని మోదీ అడుగు పెట్టారు. ప్రధాని మోదీ ఎర్రతివాచిపై అడుగు పెట్టగానే శంకరరావాన్ని పూరించారు. బాలరాముడికి వెంటి గొడుగును తీసుకుని గుడిలోకి అడుగు పెట్టారు ప్రధాని మోదీ. అలా మోదీ నడిచి వస్తుంటే అయోధ్య మొత్తం జై శ్రీరామ్ నినాదాలతో మారుమోగిపోయింది. माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चल रहे हैं। वो सीधे पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र गर्भगृह में लिए गोविंद देव भगवान श्री राम के गर्भगृह की ओर बढ़ाते हुए, एक एक कदम बढ़ाते हुए, अनेक मंडपों को पार करते हुए, पांच मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर, क्यों न हो। भगवान श्री राम पधारे हैं, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन प्रकृति की इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, उन्हीं रत्नों में सबसे पहले विष निकला जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम